वेलकम टू माथो क्लासेस लाइव। कल हम स्टार के वायरिंग का प्रैक्टिकल कर चुके थे, आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिकल है गोडाउन वायरिंग या सुरंग वायरिंग। इसका उद्देश्य देखें, आप जैसे तरह देख रहे हैं कि उद्देश्य मैं देख लिखा चुका हूँ कि गोडाउन वायरिंग या सुरंग वायरिंग करना। एग्ज़ाम में जब आपके प्रैक्टिकल आता है तो आपको ये लिखने का इस तरह से आपके तरीका पता होना चाहिए, ताकि सबसे पहले आपके उद्देश्य, औजार, सामग्री और उसके बाद में आपका सर्किट डायग्राम, जैसे कि आपने जो पीछे देख रहे हैं कि सर्किट डायग्राम आपके बन रखा है। तरीके से आज हम एक एक चीज़ को समझते हैं, उसके बाद में आगे हमें कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज का देखते हैं गोदाम वायरिंग या सुरंग वायरिंग। सबसे पहले आप उद्देश्य लिखेंगे गोदाम वायरिंग या सुरंग वायरिंग करना। इसके अंदर जो औजार और सामग्री की जरूरत पड़ेगी, उन औजार और सामग्री को हम अपने स्पेसिफिकेशन के साथ उसको नोटिफाई करेंगे। तो आप देखते हैं औजार या सामग्री। औजार में सबसे पहले आप देखेंगे आपको तारों को छीलने के लिए या काटने के लिए आपके कॉम्बिनेशन प्लायर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी साइज़ अपन 200 mm ले रहे हैं और उसकी क्वांटिटी अपन 1 ले रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन नाइफ, तारों के नाइफ इंसुलेशन को निकालने के लिए, उसकी भी हम 1 ले रहे हैं। इंसुलेटेड पेचकस, जो हमें इस बोर्ड को कसने के लिए, जो 100-150 mm या उसके लिए जितनी क्वान्टिटी के हिसाब से हम उसे 4 ले रहे हैं। हैंड्रिल मशीन, जो आप स्कूल अपन के लिए बोर्ड के अंदर आपको छेद करने के लिए चाहिए, ड्रिल करने के उसके लिए चाहिए, तो हैंड्रिल मशीन। एक पोकर, जो आपको स्क्रू कसने के टाइम आपको होल के लिए आपको घुमाने के लिए चाहिए। एक ट्राई स्क्वायर, जो आपको नाप लेने के लिए चाहिए, मार्जिन लेने के लिए चाहिए, आपको स्विच और सॉकेट किस तरह होल्डर के अंदर आपको या बोर्ड के अंदर आपको किस तरह से कसने हैं। एक स्टूल रूल, जो आपके नाप लेने के लिए कि आपको कितने सेंटीमीटर का गैप छोड़ के आपको स्विच लगाना है उसके लिए। और एक फेस टेस्टर, जो आपको फेस को टेस्ट करने के लिए। देखते हैं सामग्री, देखते हैं पीवीसी वायर एज रिक्वायर्ड, जितना हमें पीवीसी वायर चाहिए वायरिंग करने के लिए उतना पीवीसी वायर हम इसके लेंगे। जो आप 1.5 mm 2 mm इसके अंदर ले सकते हैं, या 1.5 mm या 2 mm जिसके अंदर जितना भी आप चाहे के ले सकते हैं। सिंगल वे स्विच, एक 2-way स्विच की क्वान्टिटी अपन या 2 लिए। और लैम्प, 3 लैम्प इसके अंदर आप अपन यूज़ कर रहे हैं गोडाउन वायरिंग के लिए। आप इसमें लैम्प की संख्या और 2-way स्विच की संख्या वायरिंग के अनुसार इसे बढ़ा भी सकते हैं। डायग्राम में हमारे पास गोदाम वायरिंग का, तो जैसे गोडाउन वायरिंग में आपके जो मैंने 3 टर्मिनल दिखा रखे हैं, तो 2-way स्विच के अंदर आपके 3 टर्मिनल होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे आपके 2-way स्विच है, ये कसा हुआ एक बोर्ड के ऊपर है, तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 तीन टर्मिनल इसके साथ कॉन्टैक्ट में आए हुए हैं। ये इसका मेन टर्मिनल है, जो इसके ऊपर वाले और बीच वाले कॉन्टैक्ट के नीचे वाले कॉन्टैक्ट के साथ में क्या है, कॉन्टैक्ट में रहता है। तो जब आप इसको ये नीचे करते हैं तो इसका कॉन्टैक्ट इसके साथ रहता है, और ऊपर करते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट ऊपर वाले के साथ कॉन्टैक्ट होता है। जैसे इसके अंदर दिया हुआ है, ये 1-way स्विच, ये 2-way स्विच के 3 कॉन्टैक्ट के साथ में, ये एक और 2-way स्विच जो 3 कॉन्टैक्ट के साथ में। अब आप एक समझने के लिए इसको फटाफट देख लेते हैं कि फेस का जो वायर है आपके पास में 1-way स्विच के पास ऊपर की तरफ आता है टर्मिनल में, नीचे के जो टर्मिनल का वायर है जो सीधा अपने वायर कॉन्टैक्ट करेंगे, वो 2-way स्विच के इस मिडल वाले कॉन्टैक्टर के अंदर, इसके अंदर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। उसी 2-way स्विच के सेकेंड स्विच के नीचे वाला जो कॉन्टैक्टर है, आप उसके मिडल स्विच के अंदर वहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि आप इस 3 जैसे ये आपने देख रहे हैं, और यहाँ से इसका जो ऊपर का टर्मिनल है, जो लैम्प के आपके होल्डर है, होल्डर के सेकंड टर्मिनल के अंदर, यहाँ पे ये न्यूट्रल एक लैम्प के अंदर जाएगा। हमेशा न्यूट्रल जो पॉइंट है वो आपके लैम्प के अंदर ट्रेवल करता है उसके अंदर, और फेज जो आपके हमेशा स्विच के अंदर दिया जाता है। न्यूट्रल ये एक लैम्प के यहाँ न्यूट्रल में दिया हुआ, यही न्यूट्रल हम आगे कैरी ऑन करते हैं, और यहाँ पर आपके कंटिन्यू सेकेंड लैम्प के ऊपर न्यूट्रल दिया जाता है, और यही कैम्प थर्ड लैम्प के ऊपर भी, यहीं पर ही आप न्यूट्रल के कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप इस फेस के कनेक्शन है जो भी, यहाँ से लेके आप एक टर्मिनल का कनेक्शन एक लैम्प के दूसरे टर्मिनल के साथ में, जैसे यहाँ पे कि आप न्यूट्रल दे चुके हैं, यहाँ पे आप फेस दे चुके हैं, तो इसका कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड की तरफ आते हैं तो यहाँ से जब आप इसके कॉन्टैक्ट करते हैं, तो आप यहाँ से एक फेस का कनेक्शन इसको यहाँ से देंगे सेकेंड लैम्प को, और इसके टर्मिनल के कॉन्टैक्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड लैम्प के जब आते हैं तो इसका एक अपन न्यूट्रल दे चुके हैं, हमें फेस देनी है, तो ये फेस का कॉन्टैक्ट इसका नीचे वाले टर्मिनल के साथ में यहाँ कंप्लीट करते हैं। जो आपके सिंबल यूज़ होते हैं सर्किट डायग्राम में, तो सिंगल वे स्विच के लिए वो ये सिंबल यूज़ होता है, और 2-way स्विच के लिए आपके ये टर्मिनल यूज़ होते हैं सिंबल्स के लिए। जैसे कि आप ऊपर के इसको कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये टर्मिनल यहाँ कॉन्टैक्ट, और नीचे की ओर अगर आप इसे टच करते हैं तो आप ये देखें कि ये टर्मिनल इसके साथ कॉन्टैक्ट में आया हुआ है, जैसे कि यहाँ से दिया हुआ है, देखिए सर्किट डायग्राम में ये कॉन्टैक्ट के अंदर जैसे सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है आपके कम्प्लीट। एग्ज़ाम में अगर आपके जब भी आता है क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में आपको सर्किट डायग्राम के अंदर ये सर्किट आपको बनाना है,
वो सर्किट सिर्फ आपके समझने के लिए था। तो ये सर्किट डायग्राम इसके लिए बना हुआ है आपके, देखिए कि एक वन वे स्विच, एक दो टू वे स्विच और आपके तीन लैंप का सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। जो सिंबल्स आप यूज़ लेते हैं लैंप का, वो लैंप के सिंबल्स ये दिखाए हुए हैं आपके, और टू वे स्विच का ये जिसके अंदर आपके दो टर्मिनल और एक मिडिल टर्मिनल से आपके कॉन्टैक्ट बनाए गए हैं, और एक सिंगल वे स्विच जिसके अंदर आपके दो टर्मिनल और एक ऊपर आपके कॉन्टैक्टर बनाया गया है। देखो इस जैसे ये देख रहे हैं आपके, हमारे पास एक बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर आपके तीन होल्डर कसे हुए हैं, और आपके यहीं पर आपके नीचे इनके स्विच को आपको कसा हुआ, जिनमें दो टू वे स्विच और एक सिंगल वे स्विच इसके अंदर हमने कसा हुआ है। ये पहले आप कोई भी बोर्ड ले सकते हैं या फिर आप तीन अलग अलग बोर्ड लेके उनको इसके बाद में आप कर सकते हैं। ये मैंने इसको जल्दी से इसके ऊपर एक तीन बोर्ड के ऊपर आपके तीनों होल्डर एक बोर्ड के ऊपर और एक स्विच इसके अंदर आपके कसे हुए हैं। अगर आप इसके अंदर स्विच की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, स्विच और ये होल्डर की, अगर आप लैंप की संख्या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप कंटिन्यू इसके साथ एक एक दो लैंप और एक टू वे स्विच को साथ आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं इसके पीछे की तरफ हम देखते हैं ये तीन टर्मिनल इसके तार हैं, जैसे होल्डर के साथ हमने जैसे सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, तो न्यूट्रल जैसे है तो एक न्यूट्रल का वायर्स कर रहे हैं और वो अपन कैरी ऑन करके एक दो और तीन, तीनों के अंदर एक एक लैंप के अंदर न्यूट्रल का वायर दे रहे हैं। जैसे ये लैम्प के कनेक्शन हमारे हैं और ये लैम्प के अंदर से दो दो तार निकले हुए हैं, जैसे यहाँ दिखा हुआ है कि दो तार, एक न्यूट्रल का और नीचे से एक तरफ फेस का तार। लाइन से जो वायर आ रहा है, जैसे कि ये लाइन से जो हमने वायर लिया है, ये न्यूट्रल का एक वायर लिया हमने और यहाँ से कैरी ऑन करके एक, फिर एक दो और तीन, यानी फर्स्ट नंबर लैम्प, सेकेंड और थर्ड नंबर लैम्प, एक न्यूट्रल का लैम्प हमने दे दिया है। न्यूट्रल के होने के बाद में ये हमने एक फेज़ के कनेक्शन के लिए जो स्विच के साथ होंगे उसके लिए हमने इनको छोड़ दिया है अभी खाली। अब देखते हैं हम यहाँ से, हमारे पास ये पहला वन वे स्विच आया हुआ है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये पहले वन वे स्विच को यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इस फेज वायर को। अब जब हमने देखे ये एक फेज़ वायर और यहाँ से एक जिसके नीचे वाले टर्मिनल से हम ये इसको दो पॉइंट कनेक्ट कर चुके हैं और अब ये एक टर्मिनल हम यहाँ कनेक्ट करेंगे। सर्किट डायग्राम की तरह इसके एक नीचे वाले टर्मिनल से इसके मिडिल टर्मिनल में हमने यहाँ पे वायर को कसा है, तो ये देखे लास्ट इसके टर्मिनल में से फेज़ के वायर के लिए हमने ये मिडिल टर्मिनल में इसके अंदर एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब ये नीचे वाले टर्मिनल से हम पहले ही कनेक्ट कर चुके थे, अब इसके लास्ट टर्मिनल से हम इस सेकंड टू वे स्विच के मिडिल टर्मिनल के अंदर इसको आपने फेज़ की सप्लाई दे दी है, और हम हमारे पास ये पहले लैंप का जो वायर है जो हम इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए जैसे फर्स्ट लैंप का जो वायर है वो इसके ऊपर वाले टर्मिनल के साथ में हमने कनेक्ट कर लिया है, और नीचे वाले को जो हम पहले ही यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं। आगे के हम देखते हैं कि हमारे दो टर्मिनल के ऊपर जो वायर है उनके ऊपर हम इसको इस एक टर्मिनल के से यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, इसे यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे पहले ही कनेक्ट कर चुके थे और अभी लैम का एक टर्मिनल हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया इसके ऊपर वाले से, और एक इसके नीचे वाले टर्मिनल के साथ में हम इसे कनेक्ट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं अब हम इसे लैम्प लगा के, जैसे कि हमारे पास अब ये वो डाउन वायरिंग का एक पूरा सर्किट तैयार हो चुका है। तीनों टर्मिनल्स हमारे ये लैंप आपने लगा चुके हैं और यहाँ से हम इसे कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं। ये हमने इसको सप्लाई दी और ये फर्स्ट इसके वन वे स्विच से हम कॉन्टेक्ट करते हैं जिसमें आपका ये लैंप जलना चाहिए। जैसे आप किसी वो डाउन के अंदर प्रवेश करते हैं या सुरंग के अंदर प्रवेश करते हैं, तो जैसे आप जाएंगे तो फर्स्ट आए तो आपका फर्स्ट लैंप लगना चाहिए। ये जैसे कि आपकी ये फर्स्ट लैंप आपके चलो हो जाता है, लो हो जाता। अब हम इसे जब आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे, जैसे जैसे हम गोडाउन में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो हमारा ये लैंप बंद हो जाएगा और ये लैंप ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे अब आपका ये लैंप ऑन हो गया है, वो लैंप आपके बंद हो चुका है। अब जैसे हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो हम जैसे आगे की ओर स्विच को ऑन करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट लैंप जल चुका है और उससे पहले वाला लैंप ऑफ हो चुका है। अब हम जैसे वापस बाहर की ओर निकलना शुरू करते हैं, तो ये देखिए ये हमने ये बंद किया, ये नेक्स्ट लैंप ऑन हो गया है
और ये बाद वाला लैंप है जो जलता जा रहा है और हम बाहर की तरफ अब निकल सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट लैंप और हम ये मास्टर स्विच के द्वारा अब इसको गो डाउन के द्वारा निकल सकते हैं। एक बार वापस आपको दिखा देते हैं कि आपके लैंप कंटिन्यू, जब आपकी वायरिंग अगर सही होगी तो आपके लैंप आपके कंटिन्यूटी के साथ जलने चाहिए। जैसे आप एक लैंप लगाते हैं नेक्स्ट लैंप, और उस लैंप का स्विच को आप वापस ऑन करेंगे तो उसका नेक्स्ट लैंप और दूसरा लैंप आपके बंद। अगर आपके लैंप अगर मिसमैच होते हैं या किसी तरह से एक आगे वाला जल रहा है उससे नहीं जलता है, इसका मतलब आपकी वायरिंग आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, तो उस वायरिंग को आप सही करिए। एक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। तो आपने खुद देखा कि हमने वायरिंग के चैप्टर के अंदर पहले प्रैक्टिकल के अंदर आपने स्टार की वायरिंग या सीडीओ की वायरिंग आपने करी थी, सेकंड प्रैक्टिकल में अब हम ये गोडाउन वायरिंग के लिए आपके लेके आए हैं। अब हम थर्ड प्रैक्टिकल के लिए आपके कौन सी वायरिंग लेके आते हैं या प्रैक्टिकल लेके आते हैं, वायरिंग का प्रैक्टिकल देखते रहिए और इंतज़ार कीजिए। आपके लिए जल्दी एक नया प्रैक्टिकल आपके लिए जो जल्द बना के डाला जाएगा।